जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल RR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है लेथ मशीन टॉपिक पर हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे, हमने इसमें लगभग जो है 5 क्लासों तक हमने जो है डिस्कशन कर लिया था। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि लेथ मशीन पर हम जो है टेपर को ऑपरेशन जो हमारे होते हैं कि लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद हमने बात किया था जो है लेथ मशीन पर जो है टेपर टर्निंग के बारे में कि हमें जो है लेथ मशीन पर टेपर किस प्रकार से ज्ञात करना चाहिए और टेपर जो है ज्ञात करने के लिए हमारी कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो जो हमारे टेपर ज्ञात करने के लिए पहली जो हमारी विधि थी कंपाउंड रेस्ट विधि, कौन सी? कंपाउंड रेस्ट विधि। हमने जो है पहले जो है कंपाउंड रेस्ट की विधि के बारे में हमने बात किया था कि हमारी जो कंपाउंड रेस्ट विधि क्या होती है, इससे हम लोग जो है टेपर को ऐसे ज्ञात करने सकते हैं। अगर हमें कंपाउंड रेस्ट विधि से जो है टेपर ज्ञात करना हो तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है टेन थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2L। जो हमारा कैपिटल डी क्या होता है, जहाँ पर जो कैपिटल डी होता है बड़ा व्यास, स्मॉल डी क्या होता है छोटा व्यास, और एल क्या होती है हमारी जो है कैपिटल, जो एल होती है हमारी टेपर की लंबाई होती है, या इसी की जगह पर हम टेन थीटा की जगह पर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L इंटू 2L सो 30/11, या इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के माध्यम से जो है हम लोग टेपर निकाल सकते हैं। यह हमारी जो थी कंपाउंड रेस्ट विधि से थे कि हमें जो है कंपाउंड रेस्ट विधि से हम लोग किस प्रकार से जो है टेपर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अगली विधि थी वो हमारी थी टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से कि हम जो है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से किस प्रकार से टेपर निकाल सकते हैं। टेल स्टॉक ऑफसेटिंग जो हम टेली स्टॉक ऑफसेट करके जब हम टेपर टर्निंग करेंगे तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है हमें टेली स्टॉक ऑफसेट विधि से अगर हम टेपर ज्ञात करेंगे तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है ऑफसेट बराबर होता है सेट बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2 इंटू कैपिटल एल अपान स्मॉल एल होता है। यह जो है हमारी क्या होती है कि जब हमारी कैपिटल एल दी रहेगी, डाया दिया रहेगा, अगर हमारा जो टीम टोटल लेंथ है, एक और हमारा इसमें क्या होता है कि एक और फार्मूला होता है ऑफसेट विधि से हमारा जो है कैपिटल टी इंटू कैपिटल एल अपान 2, इसके विधि से हम लोग भी जो टेपर निकाल सकते हैं। एक और इसमें और एक विधि होती है, एक फार्मूला और होता है जिस जहाँ पर जो हमारे क्या होती है ऑफसेट विधि, जो हमारी कैपिटल एल अपान 2 इंटू रेशियो, इसमें जहाँ पर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कैपिटल डी होता है या बड़ा व्यास होता है, कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी इज इक्वल टू वर्क पीस का बड़ा व्यास, क्या होता है, वर्क पीस का बड़ा व्यास, कैपिटल डी हमारा क्या होता है वर्क पीस का बड़ा व्यास, और जो हमारा स्मॉल डी जो होता है यह होता है वर्क पीस का छोटा व्यास, और कैपिटल एल क्या होता है, जो हमारी कैपिटल एल थी यह वर्क पीस की पूरी लंबाई, क्या थी, वर्क पीस की पूरी लंबाई, और जो हमारी स्मॉल एल था टेपर की लंबाई। टी हमारा था टेपर प्रति इंच, कैपिटल टी था हमारा जो है टेपर प्रति इंच। तो हम लोग क्या करते थे इन सब का जो है प्रयोग करके हम लोग जो है टेली स्टॉक ऑफसेट विधि से जो है टेपर को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है। उसके बाद हमने बात किया था, जो थर्ड नंबर पर हमने बात किया था, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करके टेपर टर्निंग करना, कि हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि का प्रयोग करके थर्ड नंबर हमने बात किया था
टेपर टर्निंग अटैच मेंट का प्रयोग करके टेपर टर्निंग करना। उसके बाद जो नेक्स्ट थी हमारी जो है फार्म टूल विधि से हम भी टेपर कर सकते थे। उसके बाद हमने बात किया था जो है टेपर को मापने की विधि है, जो हम टेपर को किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। टेपर को जो हमारे मापने की विधियाँ था इसके थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास को आगे की ओर जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो टेपर को मापने की जो विधि थे, टेपर की परिशुद्धता को मापने के लिए 6 तरीके जो हैं। हमें जो टेपर ज्ञात करने के लिए, जैसे हम टेपर कोई जॉब होगा उसका जो है हमें टेपर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 6 विधि का जो है प्रयोग करते थे कि टेपर को ज्ञात करने के लिए। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, नए टर्निंग किए गए टेपर के एक अस्तित्व वाले ज्ञात टेपर के साथ तुलना करके, क्या करके, एक जो अगर एक टेपर होगा उसके साथ क्या करेंगे कि तुलना करके भी हम जो है टेपर को मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था, इंटरनल टेपर के लिए प्लग गेज और एक्सटर्नल टेपर के लिए रिंग गेज का प्रयोग करके। अगर हमारा इंटरनल टेपर है, इंटरनल टेपर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, और एक्सटर्नल टेपर के लिए हम लोग जो है रिंग गेज का प्रयोग करके भी हम लोग जो है टेपर को चेक कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा टेपर टेस्ट गेज का प्रयोग करके, हम लोग टेपर टेस्ट गेज का भी प्रयोग करके जो है टेपर को ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे जो है टेपर को मापने के लिए। नेक्स्ट था जब हमारा गेज ब्लॉकों, टेस्ट मैंड्रिल और माइक्रोमीटर का प्रयोग करके, गेज ब्लॉकों का प्रयोग करके जो हमारे टेस्ट मैंड्रिल होते हैं उनका भी प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेपर जो है ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा साइन बार और गेज ब्लॉकों का प्रयोग करके, साइन बार और गेज ब्लॉकों का भी प्रयोग करके हम लोग जो है टेपर को जो है ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा माइक्रोमीटर का प्रयोग करके, हम माइक्रोमीटर का भी प्रयोग करके जो है टेपर को जो है माप कर सकते हैं, ताकि हम टेपर को माइक्रोमीटर का भी प्रयोग करके हम जो है टेपर को जो है मेजरमेंट कर सकते थे। आज हम लोग जो है आगे की ओर बात करेंगे जो हमारा है थ्रेड कटिंग, कि हम जो है लेथ मशीन पर जो है थ्रेड कटिंग ऑपरेशन कैसे की जाती है, थ्रेड कटिंग के बारे में हम लोग जो है आज आगे की ओर जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारी जो थ्रेड कटिंग होती है, थ्रेड कटिंग होती क्या है, लेथ पर थ्रेड काटना एक विधि है। जो यह क्या होती है, जो थ्रेड कटिंग होती है यह हमारी क्या है, एक विधि होती है। जैसे कि आप देखा होगा कि यह हमारा क्या है कि कोई जॉब है, अगर हमें इस पर थ्रेड काटना है, इस पर ये मान लीजिए क्या की गई कि हमारी जो इस पर थ्रेड कटी हुई है, इस प्रकार से जो है हमारी क्या हुई है कि जो है थ्रेड कटी हुई है। लेथ पर थ्रेड काटना एक विधि है, क्या है, एक यह जो है प्रोसेस है जिसे एक सिलेंड्रिकल पर लगातार ग्रुप काटते हुए यूनिफॉर्म सेक्शन की रीज बनाई जाती है। क्या कीजिए, तो इस तरीके से जो है हमारी जो है कोई बोल्ट होगा उस पर जो है थ्रेड काटने के लिए क्या की जाती है कि एक जो है यूनिफॉर्म इस तरीके से जो हमारी क्या होती है कि एक सीरीज बनी हुई होती है, एक जो इस तरीके से जो है क्या करके ये जो है लगातार ग्रूव काटते हुए यूनिफॉर्म सेक्शन की रीज बनाई जाती है। इसे थ्रेड के आकार वाले थ्रेड कटिंग टूल बिट के द्वारा क्रमागत हल्के कटों को लगाकर किया जाता है। अगर हमें थ्रेड कटिंग करना होता है तो यह जो है थ्रेड कटिंग के लिए, जो हमारा थ्रेड कटिंग के लिए टूल बिट के द्वारा, इसमें थ्रेड कटिंग का एक टूल होता है, उसमें टूल बिट को लगाकर जो है हल्के कट क्या किया जाता है, हल्के कटों की को देते हुए जो है थ्रेड कटिंग किया जाता है। लेथ पर थ्रेड काटने के लिए यह आवश्यक होता है, क्या होता है कि यह ऑपरेशन जो है आवश्यक होता है कि स्पिंडल के प्रति चक्कर पर टूल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट काटी जाने वाली थ्रेड के पिच के बराबर होता है। जो स्पिंडल होता है, मान लीजिए हमारा क्या है कि यह स्पिंडल में जॉब जो है क्लैंप हुआ है, तो यह जो है स्पिंडल जो है प्रति चक्कर, एक चक्कर जितने मिनट में भी घूमेगा, यह टूल क्या करता है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में जो है मूवमेंट काटी जाने वाली
थ्रेड के पिच के बराबर हो, जो एक 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 थ्रेड की जो है पिच होती है, एक एक खांचे जो दूसरे डिस्टेंस तक की जो पिच होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच की जो है बराबर होती है। इसीलिए टेबल की लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल और स्पिंडल की मोशन के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है कि ट्रेवल और लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल और स्पिंडल की मोशन के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। यह जो हमारी स्पिंडल की रोटेशन होती है और जो हमारी स्पिंडल लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा टूल चलेगा, इनके बीच क्या होता है कि एक अनुपात होता है। इस अनुपात को गियर ट्रेन से प्राप्त किया जाता है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम लोग क्या करते हैं कि गियर ट्रेन के माध्यम से जो है प्राप्त करते हैं, जो कि लीड स्क्रू के साथ मेन स्पिंडल को जोड़ती है। जो हमारी लेथ मशीन में लीड स्क्रू होती है, लीड स्क्रू जो होती है उसको क्या करते हैं कि मेन स्पिंडल जो हमारा स्पिंडल होता है, हेडी स्टॉक जो लाइव सेंटर होता है जिसमें मेन स्पिंडल जो होता है, उसी के साथ जो हमारे लीड स्क्रू को जो है जोड़ते हैं। गियर ट्रेन की व्यवस्था दो तरह से की जाती है। गियर ट्रेन की जो व्यवस्था होती है हमारे कितने तरीके से जो है की जाती है, दो तरीके से गियर ट्रेन की जो है व्यवस्था की जाती है। जो हमारी फर्स्ट गियर ट्रेन है यह कौन सा है, सिंपल गियर ट्रेन। कौन सी गियर ट्रेन है हमारी, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन। और जो सेकंड जो हमारी है गियर ट्रेन, जो है दो विधियों का जो है प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं गियर ट्रेनों की जो है की तरह से जो है सेट की जाती है। तो जो हमारी पहली गियर ट्रेन है वह जो है सिंपल गियर ट्रेन है। सेकंड जो है हमारी कौन सी है, कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन। गियर ट्रेन हमारे कितने प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक सिंपल गियर ट्रेन होता है, एक हमारा जो है कंपाउंड गियर ट्रेन होती है। तो आइए बात करते हैं हमारे जो सिंपल गियर ट्रेन के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो सिंपल गियर ट्रेन होती है यह होती क्या है। सिंपल गियर ट्रेन की बात करते हैं, इस व्यवस्था में तीन गियर्स होते हैं। जो हमारी सिंपल गियर ट्रेन होती है इसमें तीन गियर्स होते हैं, एक गियर ये है हमारे, एक गियर ये है, एक गियर ये है। इस प्रकार से जो है हमारे क्या है कि तीन गियर होते हैं। अगर एक गियर हमारा जो है क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट कर रहा है तो दूसरा गियर हमारा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, और तीसरा गियर जो भी फिर हमारा क्या करेगा, क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट करेगा। इसमें जो सिंगल सिंपल गियर ट्रेन होती है इसमें तीन गियर्स होते हैं, अर्थात ड्राइवर, ड्रिवन और इंटरमीडिएट गियर्स। गियर्स इंटरमीडिएट गियर्स ड्राइवर और ड्रिवन गियर्स के बीच में स्पीडों के अनुपात पर प्रभाव नहीं डालती है। एक होता है हमारा जो है क्या है कि ड्राइवर गियर है, और एक हमारा जो है ड्रिवन गियर है। ऊपर की ओर जो है क्या होता है कि हमारा ड्राइवर गियर होता है, और सबसे नीचे क्या होता है कि हमारा जो है ड्रिवन गियर होता है। बीच में कौन सा गियर होता है, इंटरमीडिएट गियर होता है, इंटरमीडिएट गियर जो है होता है। इनके जो स्पीडों पर जो हमारी क्या होती है, ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर, ये हमारा ड्राइवर गियर है, ये हमारा कौन सा है, ड्रिवन गियर है। इनके बीच में जो स्पीडों का अनुपात पर जो है प्रभाव नहीं डालती है। जो इंटरमीडिएट गियर होता है ये हमारा जो है ड्राइवर गियर और इंटरमीडिएट गियर पर जो है प्रभाव नहीं डालती है। इसका प्रयोग ड्राइवर और ड्रिवन गियर्स के बीच गैप भरने के लिए किया जाता है। जो इंटरमीडिएट गियर होता है यह कौन सा हमारा जो मिडिल में होता है, जो इंटरमीडिएट गियर होता है यह जो ड्राइवर गियर होता है और जो हमारा ड्रिवन गियर होता है, इनके बीच में जो गैप होता है, ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ड्राइंग से भी आप देख सकते हैं और वैसे भी हम आपको जो है बना के भी दिखा देते हैं। तो जो हमारा क्या होता है कि हमारा मान लीजिए ड्राइवर गियर है, ये हमारा क्या है, ड्राइवर गियर है, और ये हमारा कौन सा है, ड्रिवन गियर है। इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच को गैप को जो भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट गियर का जो है प्रयोग किया जाता है। गैप को जो है भरने के लिए इंटरमीडिएट गियर का जो है प्रयोग किया जाता है। यही होता है जो हमारा क्या होता है कि सिंगल
सिंपल गियर ट्रेन। ये सिंपल गियर ट्रेन में हमारे तीन गियर्स होते हैं, एक होता है हमारा ड्राइवर गियर, एक होता है ड्रिवन गियर, और क्या होता है कि हमारा जो है इंटरमीडिएट्स गियर होते हैं। यह तीन गियर्स होते हैं जो हमारा क्या होता है कि जो ड्राइवर गियर और जो ड्रिवन गियर होता है, ड्राइवर गियर हमारा जो है फर्स्ट में ऊपर की ओर होता है और नीचे की तरह हमारा जो है ड्रिवन गियर होता है। इन ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर के जो बीच में गैप होता है, उस गैप को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट गियर का जो है प्रयोग किया जाता है। यह होता है हमारा जो है सिंपल गियर ट्रेन। नेक्स्ट अगला जो है हमारा है कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन की बात करते हैं तो हमारा जो है कंपाउंड गियर ट्रेन होता क्या है, आइए देखते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन में भी क्या होते हैं देखते हैं, यदि सिंपल गियर गियर द्वारा आवश्यक अनुपात प्राप्त करना संभव न हो तो कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा जो सिंपल गियर ट्रेन होता है, अगर हम सिंपल गियर ट्रेन के माध्यम से जो है अनुपात नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो है कंपाउंड गियर ट्रेन का जो है प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें चार गियर्स होते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन में हमारे क्या होते हैं कि चार गियर्स होते हैं, अर्थात ड्राइवर गियर, ड्रिवन गियर और दो इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं। दो कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होते हैं, ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर, और दो क्या होते हैं कि हमारे जो है दो इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं। इंटरमीडिएट गियर को एक शाफ्ट पर माउंट किया जाता है। यह जो हमारा इंटरमीडिएट गियर है, इसको क्या करते हैं, एक शाफ्ट पर जो है माउंट किया जाता है। बहरहाल ये भिन्न विभिन्न साइजों की होती हैं। जो हमारी इंटरमीडिएट गियर होती है, इंटरमीडिएट गियर के जो है विभिन्न साइजों के होते हैं। यह होता है हमारा जो है कंपाउंड गियर ट्रेन। हम जो है किस प्रकार से जो है कंपाउंड गियर ट्रेन की जो है गणना कर सकते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन में हमारे कितने गियर्स होते हैं, चार होते हैं, और जो सिंपल गियर ट्रेन था उसमें हमारे तीन गियर्स होते थे। सिंपल गियर ट्रेन में हमारा जो एक ड्राइवर गियर होता था, एक ड्रिवन गियर होता था, और एक हमारा कौन सा होता है, इंटरमीडिएट गियर होता था। लेकिन जो हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन है, कंपाउंड गियर ट्रेन में हमारे कितने, चार गियर्स होते हैं, एक ड्राइवर गियर, एक ड्रिवन गियर, इंटरमीडिएट गियर हमारे कितने होते थे, दो इंटरमीडिएट गियर होते हैं। यह होता है हमारा जो है कंपाउंड गियर ट्रेन। यह तक जो है अगर आपको क्लास जो है समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जो है ज़रूर दीजिएगा कि क्लास जो है कैसी लगी। आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर क्या करना है कि हमें जो है सिंपल की, अगर मान लीजिए सिंपल गियर ट्रेन में जो हमें गियर ट्रेन की अगर गणना करना हो तो किसकी, सिंपल गियर ट्रेन में अगर हमें सिंपल गियर ट्रेन में जो है गियर की जो है अगर गणना करनी है तब हम इसको किस प्रकार से जो है करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या होता है, लीड स्क्रू के चक्करों की संख्या, जो लेथ मशीन की क्या होते हैं कि लीड स्क्रू होते हैं, लीड स्क्रू के चक्करों की संख्या, बटे स्पिंडल के चक्करों की संख्या, बराबर जो है होता है ड्राइवर के दांतों की संख्या बटे ड्रिवन की दांतों की संख्या, ड्राइवर के दांतों की संख्या बटे ड्रिवन के दांतों की संख्या। यह होता है अगर हमें सिंपल गियर ट्रेन की जो है गणना करना हो, तो अगर सिंपल गियर ट्रेन की अगर गणना करना हो
लीड स्क्रू के चक्करों की संख्या बटे स्पिंडल के चक्करों की संख्या स्कल टू ड्राइवर के दांतों की संख्या बटे ड्रिवन के दांतों की संख्या। अगर हमें जो है कंपाउंड गियर ट्रेन में अगर हमें जो है कंपाउंड गियर ट्रेन की अगर गणना करनी हो तो किसकी कंपाउंड गियर ट्रेन की कंपाउंड गियर ट्रेन में अगर हमें कंपाउंड गियर ट्रेन की गणना करनी हो तो तब हम क्या करेंगे तो लीड स्क्रू के चक्करों की संख्या किसकी लीड स्क्रू के चक्करों की संख्या बटे स्पिंडल के चक्करों की संख्या स्पिंडल के चक्करों की संख्या बराबर ड्राइवर के बराबर हो जाएगा ए ए मतलब हमारा जो है ड्राइवर के दांतों की संख्या ए एक बराबर क्या हो जाएगा ए की दांते ए मतलब बोला जाए तो जो हमारा ड्राइवर होगा ड्राइवर के दांतों की संख्या बटे बी ड्रिवन पर दांतों की संख्या पर दांते कि जो हमारा ड्रिवन होगा ड्रिवन पर दांतों की संख्या सी क्या हो गया सी इनटू सी जो हमारे इंटरमीडिएट गियर है क्या है इंटरमीडिएट गियर कंपाउंड गियर ट्रेन में हमारे कितने चार गियर थे तो इनटू सी मतलब जो है इंटरमीडिएट गियर में दो गियर हो तो एक गियर पर जो है सी मान लीजिए सी पर दांते कि हमारे जो है सी पर कितने दांते हैं और बटे डी पर दांते डी पर हमारे जो है कितने दांते कटे हैं यह होता है जो है हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए जो है किस प्रकार से हम जो है गणना कर सकते हैं। आगे की ओर जो है चलते हैं आगे की ओर बात करते हैं थ्रेडिंग से पहले चैम्फरिंग करना। जब हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उस पर पहले हमें क्या करना चाहिए कि चैम्फरिंग प्रक्रिया करनी चाहिए। मान लीजिए हमारा क्या है कि कोई जॉब है या कोई जॉब है अगर इस पर हमें थ्रेडिंग प्रक्रिया करनी है पहले हमें इस पर क्या करना होगा कि चैम्फर जो है लगाना पड़ेगा। पहले हम जो है चैम्फरिंग प्रक्रिया करेंगे उसके बाद जो है हम इस पर जो है थ्रेडिंग प्रक्रिया करेंगे। थ्रेडिंग से पहले चैम्फरिंग करना चैम्फरिंग बिफोर थ्रेडिंग आइए बात करते हैं। चैम्फरिंग करने से पहले कट आसानी से लगाया जा सकता है। कट को क्या किया जा सकता है चैम्फरिंग करने से पहले कट को आसानी से लगाया जा सकता है जैसे कि आप दिखावट में सुधार आता है जैसे कि आप जो है देख सकते हैं और साफ हो जाता है और जो हमारी बर्स होती है शार्प इज जो होती है वह क्या होता है कि दूर हो जाता है। थ्रेडिंग करने से पहले चैम्फरिंग की को वरीयता दी जाती है। अगर हमें थ्रेडिंग प्रक्रिया करनी होती है थ्रेडिंग ऑपरेशन करना होता है तो हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करने से पहले जो है चैम्फरिंग प्रक्रिया को जो है वरीयता दी जाती है परंतु इस ऑपरेशन को थ्रेडिंग के बाद भी किया जा सकता है। यह जो चैम्फरिंग प्रक्रिया है यह हम थ्रेडिंग अगर हम थ्रेडिंग प्रक्रिया कर रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम जो है थ्रेडिंग ऑपरेशन करने के बाद भी जो है चैम्फरिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। चैम्फर थ्रेड के माइनर डायमीटर से थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। माइनर डायमीटर यह जो है हमारा क्या होना चाहिए चैम्फर थ्रेड के माइनर डायमीटर से जो है थोड़ा गहरा होना चाहिए। यह चैम्फर क्या होना चाहिए जो थ्रेडिंग प्रक्रिया होगी इसमें जो माइनर डायमीटर जो छोटा डायमीटर होता है उससे जो है क्या होगा कि हमारा जो है बड़ा होना चाहिए। यह होती है हमारी जो है थ्रेडिंग से पहले चैम्फरिंग करना कि हमें जो थ्रेडिंग ऑपरेशन करने से पहले चैम्फरिंग प्रक्रिया जो है करनी चाहिए। आगे की ओर बात करते हैं जो है हमारा थ्रेड कैच करने की विधि क्या होती है हमारी जो है थ्रेड कैच करने की विधि मेथड ऑफ कैचिंग द थ्रेड्स। आइए देखते हैं कि थ्रेड कैच करने की विधि क्या होती है। थ्रेड कैचिंग का अभिप्राय यह है कि थ्रेड कटिंग टूल को क्रमागत कटों के दौरान उसी थ्रेड या ग्रुप पर प्रवेश कराना चाहिए। अगर हम जो थ्रेडिंग प्रक्रिया कर रहे हैं जब हम
लेथ मशीन पर जो है थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम जो क्रमागत जो हम लगातार कटों के दौरान जो है मान लीजिए यह हमारा क्या है कि जॉब है, इस पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि थ्रेडिंग प्रक्रिया कर रहे हैं, इसमें उसी कट पर जो है बार बार जो है हमें क्या करना होता है कट करना। देखिए क्रमागत कटों के दौरान उसी थ्रेड या ग्रुप पे प्रवेश कराना चाहिए, इसमें जो ग्रुप बनेगा या जो कट कटेगा उसी पर जो है प्रवेश कराना चाहिए। थ्रेड की पूरी गहराई तक पहुंचने से पहले कई कटों को लगाना होता है। अगर हमें थ्रेड की जो पूरी गहराई होती है, जो थ्रेड की डेप्थ होती है, उसकी जो है डेप्थ को पूरा करने के लिए जो हमें को कटों को लगाना होता है, कई कट हमें जो है लगाना पड़ता है, इस कारण से थ्रेड की कैचिंग को आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जो है थ्रेड की जो कैचिंग होती है, थ्रेड करने की जो प्रोसेस होती है उसकी आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड कटिंग करते समय जो है हमें निम्नलिखित विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग जो है कौन कौन सी विधि का जो है प्रयोग करते हैं थ्रेडिंग करते समय। तो जो हमारी है मशीन को उल्टा चलाकर, कि हमें जो है मशीन को उल्टा भी जो है थ्रेडिंग ऑपरेशन जब करते हैं तो उसमें जो है हमें मशीन को जो है उल्टा भी जो है चलाना पड़ता है। रिवर्सिंग द मशीन, प्रत्येक कट के अंत पर थ्रेड के आगे सरफेस की किसी खराबी को होने से बचाने के लिए टूल को शीघ्रता से पीछे किया जाता है। मान लीजिए हमारा क्या है कि यह जो है थ्रेडिंग जॉब है, इस पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि थ्रेडिंग प्रक्रिया करना है हमें। तो यह जो प्रत्येक कट के अंत पर, अगर यहाँ से कट हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से कट जो है हमारा अंत हुआ, यहाँ तक कट अंत तक आगे सरफेसों की फिनिशिंग, सरफेस की किसी खराबी को होने से बचाने के लिए टूल को शीघ्रता से पीछे किया जाता है। टूल को हम लोग क्या करते हैं पीछे कर लेते हैं, तब टूल को हाफ नटों को बिना अलग किए, जो हाफ नट होता है लीवर जो लगा होता है उस लीवर को बिना अलग किए, रिवर्सिंग यूनिट को बिना छुए, जो रिवर्सिंग यूनिट है उसको बिना छुए स्पिंडल और लीड स्क्रू को हाथ या पावर द्वारा विपरीत जो है यहाँ तक जो टूल है यहाँ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हाथ या पावर द्वारा जो है टूल को विपरीत घुमाकर थ्रेड के स्टार्ट पर वापस लाया जाता है। जो थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो है वापस लाया जाता है। यह थका देने वाली विधि, यह कैसी विधि है थका देने वाली विधि है और अधिक समय ले लेती है। जो थ्रेडिंग प्रक्रिया है यह जो है इसमें समय जो है ज़्यादा लगता है और यह विधि जो है थका देने वाली विधि है मशीन को जो है उल्टा चलाकर। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। अगला हमारा जो है लेथ पार्ट्स पर मार्किंग करके मार्किंग द लेथ पार्ट्स, कि हमें जो है लेथ पार्ट्स पे जो है किस प्रकार से जो है मार्किंग करनी चाहिए देखते हैं। इस विधि में लीड स्क्रू और उसकी ब्रेकेट, बड़ी गियर्स और हेड स्टॉक कॉस्टिंग और लेथ बेड पर कैरिज की पोजीशन को मार्क करने की आवश्यकता होती है। जो हम लोग जो कैरिज पर क्या होते हैं कि हमें कितना डेप्थ ऑफ कट देना होता है, जो कैरिज के लीड स्केल्स बने होते हैं उस स्केल पर हमें क्या करना होता है कि मार्किंग करना होता है। देखिए यहाँ पर इस विधि में लीड स्क्रू और उसकी ब्रेकेट, बड़ी गियर और हेड स्टॉक कास्टिंग और लेथ बेड पर कैरिज की पोजीशन को मार्क करने की आवश्यकता होती है। मार्क करने की जो है आवश्यकता होती है, इसके लिए लीड स्क्रू पर निशान और लेथ के स्थिर भागों पर मार्किंग्स के विपरीत गियर का पर निशानों को मिलाया जाता है। जो विपरीत गियर्स होता है, मार्किंग्स होते हैं, उनको जो है निशानों का क्या किया जाता है मिलाया जाता है, जिससे स्लिप्ड नट को संलग्न करने से पहले कैरिज को स्टार्टिंग पोजीशन पर लाने में सहायता मिलती है।
जो कैरिज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है लाने में जो है सहायता मिलती है। यह होता है हमारा जो है लेथ पार्ट्स पर मार्किंग करना, कि हमें जो थ्रेडिंग प्रक्रिया कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से जो है मार्किंग प्रक्रिया जो है करनी चाहिए। आगे की ओर बात करते हैं चेंजिंग डायल का प्रयोग करके, कि हमें जो है चेंजिंग डायल का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से जो है कर सकते हैं। आइए देखते हैं चेंजिंग डायल का प्रयोग करके। थ्रेड चेंजिंग डायल एक विशेष अटैचमेंट है। जो थ्रेड चेंजिंग डायल है यह एक विशेष अटैचमेंट है जिसे मॉडर्न लेथों पर लगाया जाता है। क्या होता है कि मॉडर्न लेथों पर जो आधुनिक मशीनें आती है, लेथ मशीनें, उन पर जो है लगाया जाता है। यह थ्रेड की कैचिंग की परिशुद्धता परिशुद्ध विधि है। लेथ थ्रेड की जो है कैचिंग की जो है परिशुद्ध विधि है। इसे एप्रन पर माउंट किया जाता है। एप्रन पर क्या किया जाता है कि माउंट किया जाता है। इसमें एक वर्टिकल शाफ्ट होता है। क्या होता है, एक जो है वर्टिकल शाफ्ट होता है, यह देख सकते हैं। अब यह जो है क्या होता है, एक जो है हमारा क्या होता है कि इस प्रकार से जो है वर्टिकल जो है क्या होता है कि शाफ्ट होता है जिसमें एक वर्म गियर लगा होता है। एक क्या होता है कि हमारा जो है वर्म गियर लगा होता है। यह क्या है कि हमारा जो है वर्म गियर जो है लगा हुआ है, वर्म गियर लगा होता है जो कि लीड स्क्रू को संलग्न करती है। लीड स्क्रू को क्या करती है, संलग्न करती है। स्पिंडल के टॉप पर एक रिवॉल्विंग डायल होता है। रिवॉल्विंग एक डायल होता है जिस पर इंडेक्स निशान होते हैं, जिस पर क्या होता है कि इंडेक्स के जो है निशान बते हैं। जब हाफ नटों को संलग्न नहीं किया जाता है, जब हाफ नटों को जो है संलग्न नहीं किया जाता है तब डायल घूमता रहता है। तब डायल क्या करता है कि घूमता रहता है। जैसे ही हाफ नटों को संलग्न किया जाता है, जैसे ही हम हाफ नट को जो है इंगेज करते हैं तो कैरिज उसके साथ मूव करने लगता है और डायल निश्चल बना रहता है। डायल क्या करता है कि निश्चल जो है बना रहता है। थ्रेड चेंजिंग डायल ऑपरेटर को यह जानने के लिए सहायक है होता है। जो थ्रेड चेंजिंग डायल होता है यह ऑपरेटर को जानने के लिए आवश्यक होता है कि स्प्लिट नट के लीवर को कब संलग्न करना है। कि जो स्प्लिट नट होता है उसको हमें क्या करना है, कब संलग्न जो है करना है, इंगेज करना है, जिससे उसी ग्रू या थ्रेड में क्रमागत कटों को लगाया जाता है। थ्रेड के जो क्रमागत कट होते हैं उन कटों को जो है लगाया जा सके। यह कटिंग टूल और थ्रेड ग्रू की पोजीशन के संबंध में लीड स्क्रू और कार्य के चक्रों की संख्या के बीच अनुपात का संबंध भी दर्शाता है। जो थ्रेड की जो लीड होती है, लीड स्क्रू और जो वर्क पीस का जो चक्कर होता है, कार्य के चक्रों की संख्या के बीच में भी जो है अनुपात का जो है संबंध को जो है दर्शाता है। यह होता है हमारा जो है चेंजिंग डायल का जो है प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रेडिंग का जो है प्रयोग कर सकते हैं। आगे की ओर बात करते हैं चेंजिंग डायल का मैकेनिज्म बहुत ही सरल होता है। जो चेंजिंग डायल होता है इसका मैकेनिज्म बहुत सरल होता है। इसमें एक वर्म गियर के साथ जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, इसे एक वर्म गियर के साथ जो है जोड़ा जाता है जो कि लीड स्क्रू के साथ संलग्न रहती है। जो क्या करती है कि लीड स्क्रू के साथ संलग्न रहती है। जैसे ही लीड स्क्रू घूमता है, जैसे ही हमारा क्या होता है कि लीड स्क्रू घूमता है, वर्म गियर घूमती है, तब हमारी क्या होती है कि वर्म गियर भी जो है घूमने लगती है, जो कि क्रम में थ्रेड चेंजिंग डायल को घुमाती है। जो थ्रेड में क्या करती है कि चेंजिंग डायल को जो घुमाती है, चार मुख्य ग्रेजुएशन होती हैं डायल पर, 1, 2, 3, 4। यह जो चार मुख्य जो है ग्रेजुएशन जो है बनी होती, इसमें से प्रत्येक को दो भागों में अपविभाजित किया जाता है। दो भागों में क्या किया जाता है कि अपविभाजित किया जाता है। हाउसिंग पर एक इंडेक्स निशान बना होता है। हाउसिंग पर क्या होता है कि हमारा एक इंडेक्स निशान बना होता है। इस निशान पर निशान और रिवॉल्विंग चेंजिंग डायल
यह जानने के लिए सहायक होते हैं। रिवॉल्विंग जो चेंजिंग डायल होते हैं जानने के लिए आवश्यक होते हैं कि स्प्लिट नट के लीवर को कब संलग्न करना है। जो स्प्लिट नट होते हैं उसको जो है कब संलग्न करना है, यहाँ पर देख सकते हैं जब कटिंग करते समय थ्रेड की सम संख्या यहाँ पर जो है थ्रेड की सम संख्या, थ्रेड की विषम संख्या, थ्रेड की भिन्न वाली संख्या, थ्रेड जो लीड स्क्रू की थ्रेड प्रति इंच से पूरी तरह से विभाजित संख्या। तो हमें क्या करना होता है, जो कटिंग समय क्या होना चाहिए, लीड स्क्रू की संलग्न करें, हमें क्या करना है, लीड स्क्रू को संलग्न करना है। थ्रेड कटों की जो सम संख्या, थ्रेड चेजिंग डायल 1, 2, 3, 4 या 1/2, 2.5, 3.5 और 4.5 की जो है ग्रेजुएशन जो है बनी होती है। थ्रेड चेंजिंग डायल के 1, 2, 3, 4 किसी मेन डिवीजन पर क्या होता है, किसी मेन डिवीजन हाफ अर्थात जॉब पर 10 से 1/2 TPI थ्रेड पर इंच या 11 से 1/2 TPI इत्यादि के लिए अल्टरनेट मेन डिवीजन पर अन्य विभिन्न भिन्न वाले थ्रेड्स के लिए इसी समान डिवीजन पर। जब स्प्लिट नट संलग्न हो किसी भी समय पर, जब स्प्लिट नट क्या होता है कि हमारा जो है संलग्न होता है तो किसी भी समय पर जो है कर सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड्स काटना। हमें जो है लेफ्ट हैंड के से किस प्रकार से जो है थ्रेडिंग प्रक्रिया जो है की जा सकती है, आइए बात करते हैं कटिंग लेफ्ट हैंड थ्रेड्स। एक थ्रेड को राइट हैंड थ्रेड तब कहा जाता है जब नट पर टाइट करने वाले फोर्स क्लॉकवाइज दिशा में लगाया जाता है। जब हमारा राइट हैंड थ्रेड्स तब होता है जब नट पर जो है टाइट करने वाला फोर्स क्या होता है कि क्लॉकवाइज जो है लगाया जाता है। यदि टाइट करने वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो तो लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कहते हैं। अगर हमारा टाइट करने वाला जो फोर्स होता है जब हम किसी भी नट को या बोल्ट को जो टाइट करेंगे वह जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है, दिशा में घूमता है, तो उसे हम लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कहते हैं। लेफ्ट हैंड थ्रेड को उसी तरह से काटा जाता है जैसे कि राइट हैंड थ्रेड्स को काटा जाता है। जो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है उसको भी और जो राइट हैंड थ्रेड्स होता है दोनों को एक ही विधि का प्रयोग करके जो है काटा जाता है। जैसे कि राइट हैंड थ्रेड्स को काटा जाता है, अंतर केवल यह होता है, इन दोनों थ्रेडों में अंतर केवल यह होता है कि कंपाउंड स्लाइड को वर्टिकल की दूसरी स्लाइड पर सेट किया जाता है। जो कंपाउंड स्लाइड को क्या किया जाता है कि वर्टिकल स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जो है सेट किया जाता है और लीड स्क्रू को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। लीड स्क्रू को क्या किया जाता है, विपरीत दिशा में जो है घुमाया जाता है। यह होता है हमारा जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड्स काटना, कि हमें जो है लेथ मशीन पर किस से जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड जो है काट सकते हैं। आगे की ओर बात करते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटना, कि हम जो है लेथ मशीन पर किस प्रकार से जो है मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट सकते हैं, यहाँ से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।